Welcome back to my channel. My name is Tanya and I make content on fun DIY art stuff. So if that's something you're interested in, please consider subscribing and moving on to today's video. So aaj ke video mein I will be making this engagement ring box. So if in case you are interested, then please keep on watching. So first of all, let me show you the material that I will be using. मैंने यहाँ पर सारा फैला के रख रखा है, तो one by one I'll show you. So सबसे पहले तो I have this box, of course. उसके बाद I have a thermocol piece and some velvet cloth. Then I have this jute burlap sort of ribbon and what else? This golden ribbon also I have and lots and lots of flowers. We'll see कि कौन से use होते हैं. Then I have a glue gun, of course. उसके बाद I have these thermocol balls and some glitter powder and some wires just in case I need them and jute rope, some pearl stickers and just regular tape, glue and scissors. That's it. So chalo shuru karte hain. I'll start by taking box and thermocol piece. तो सबसे पहले आई विल मेजर बॉक्स एंड उसके अकॉर्डिंग थर्मोकोल कट करेंगे. दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू रन आउट ऑफ योर थर्मोकोल कटर. नाउ आई विल चेक कि ये थर्मोकोल बॉक्स में फिट हो रहा है या नहीं. यस, इट्स परफेक्ट. अब हम इस थर्मोकोल के पीस को वेलवेट क्लॉथ से कवर कर देंगे. Now I'll take this burlap ribbon and इसको simply we'll roll it out. इस तरीके से हम इसको roll करेंगे. Roll, 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 roll. So this is how we are going to roll it and then इसको glue से या फिर क्या बोलते हैं इसको glue gun से we'll secure it. दूसरे piece को भी हम same process से roll करेंगे. Is how both the rolls will look like. दोनों रोल्स को मिडिल में लगाएंगे. मेक श्योर कि आप ग्लू नीचे के साइड ही लगाएं, साइड्स में मत लगाना, अदरवाइज वी वोंट बी एबल टू ऐड द रिंग्स इन टू इट. तो दूसरा रोल वील एड इट जस्ट लाइक दिस. बीच में थोड़ा सा गैप वी वॉन्ट जिससे हम अपने रिंग्स को ऐड कर सकें. एंड दिस इज हाउ इट शुड लुक लाइक. So now I'll take the flowers because जो भी flowers हैं मैंने सारे flowers ले लिए हैं and then I will be randomly placing it जहाँ पर भी इसमें जगह है flowers की and simply we need to decorate it. So right now I'm just deciding the placement of the flowers and then we'll add the final flowers using glue gun. So yeah, that's what I am doing right now. अब फटाफट से फ्लावर्स को अरेंज कर देंगे. आफ्टर दैट आई मूव ऑन टू द लिड. तो इसके लिए आई टेक सम मोर फ्लावर्स एंड उसके पेटल्स अलग कर लेंगे. हेयर आई एम ऑल्सो ट्रिमिंग फ्यू पेटल्स सो दैट वी कैन मेक अ DIY फ्लावर्स जिसमें वी कैन हैव डिफरेंट साइजेस के पेटल्स. नाउ टेकिंग अ पर्ल एंड अ वायर सभी पेटल्स को आपस में जोड़कर वील मेक अ न्यू फ्लावर. फ्लावर बनाने का प्रोसेस काफ़ी ईजी है. वी नीड टू सिंपली अटैच वायर विथ पर्ल एंड देन वन बाय वन वील एड ऑल द पेटल्स
एंड लास्टली वायर को मोड़ कर फ्लावर को सिक्योर कर लेंगे। प्रोसेस काफी इजी है बट एंड रिजल्ट इज जस्ट ब्यूटिफुल। लुक हाउ प्रिटी दिस फ्लावर इज लुकिंग। नाउ वील एड दिस फ्लावर टू द लिड, बट बिफोर दैट कॉर्नर्स में आई एड सम डबल साइडेड टेप एंड उसके ऊपर आई पुट गोल्डन गोटा इन रफल पैटर्न और zigzag पैटर्न, कुछ भी बोल सकते हो, मुझे नहीं पता इसको क्या बोलते हैं सच्ची बताऊँ तो। बस देख लो यार जैसा हो रहा है वीडियो में बस वैसा ही कर देना। आई डोंट नो हाउ एल्स टू एक्सप्लेन दिस। अब दोनों साइड सिमिलर पैटर्न में गोटा लगा देंगे एंड देन सेंटर में फ्लावर लगा देंगे यूजिंग सेम डबल साइडेड टेप। नाउ वी आर ऑलमोस्ट डन, बस कुछ लास्ट के स्टेप्स बाकी हैं। तो यहाँ पर मैं गोल्डन गोटा से ही कुछ नॉट टाइप बना रही हूँ एंड देन उसको रैंडमली फ्लावर्स के बीच में लगा देंगे टू गेट अ फैंसी लुक। यू कैन ऑल्सो यूज़ ग्लिटर पर्ल्स और बॉल्स फॉर द सेम। नाउ कम्स द गेम चेंजर पार्ट जिससे इसका लुक लिटरली बदल सकता है। तो यहाँ पर मैं रैंडमली फ्लावर्स के ऊपर ग्लू ऐड करूँगी एंड देन उस पर हम ग्लिटर पाउडर डस्ट करेंगे। आई पर्सनली हेट वर्किंग विद ग्लिटर बिकॉज काफ़ी मेसी हो जाता है, बट दिस टाइम इट्स टोटली वर्थ इट। तो यहाँ पर आई एम गोइंग ऑल आउट एंड फुल बॉक्स पर अच्छे से ग्लिटर डस्ट करेंगे एंड ट्रस्ट मी सिर्फ इसी स्टेप से इस पूरे पीस का लुक एलिवेट हो गया। नाउ एक्सेस ग्लिटर को डस्ट ऑफ कर देंगे एंड जस्ट लुक एट दिस जस्ट वाओ। नाउ आई रिपीट द सेम स्टेप्स ऑन द आउटर कवर एज वेल। पहले रफल्स ऐड करेंगे देन फ्लावर्स एंड फाइनली सम ग्लिटर्स एंड दैट्स इट, दैट्स द फाइनल लुक। Alright, so this is what the final piece looks like. I don't know camera इसको justify कर पा रहा है या नहीं, but real में ये काफ़ी ज़्यादा pretty लग रहा है, it's looking beautiful. So yeah, that was it for today's video. अगर video अच्छा लगा हो तो like, share, subscribe to all the good things that you can. And I'll see you in my next video. Until then, stay positive, stay creative. Bye.